जब बाल बाल बचे बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे रामकृपाल खुद डूबते डूबते बचे। भीषण बाढ़ के चलते बिहार में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, खासकर पटना और इसके आसपास के इलाकों का और बुरा हाल है। भारी बारिश के चलते देखते ही देखते पूरी राजधानी जलमग्न हो गया। हालांकि सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है, साथ ही नेता भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों का हालचाल जान रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव एक हादसे के शिकार हो गए। खबर के बारे में बताएं, उससे पहले आप देखें ये वीडियो। दरअसल पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। वो धनरुआ और रमनी बिघा के इलाके में गाड़ियों के ट्यूब और लकड़ी के पट्टियों से बनाई गई एक नाव में सवार होकर जा रहे थे। उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी नाव पर सवार थे। नाव पर लोगों के समूह के साथ खड़े रामकृपाल का अचानक संतुलन बिगड़ा, जिससे नाव डगमगाने लगी। नाव पर उनके साथ खड़े 6-7 लोग भी नाव के हिचकोले लेने से लड़खड़ाने लगे और एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और सांसद रामकृपाल अपने खड़े अन्य लोगों के साथ पानी में गिर गए और डूबने लगे। हालांकि आनन फानन में उनके पास मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन वो इस घटना में मामूली रूप से जख्मी हो गए। पूरे मामले की जानकारी खुद बीजेपी सांसद ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दी थी। अपने फेसबुक पोस्ट में कृपाल ने लिखा है, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का सुबह से भ्रमण कर रहा हूं। लोगों के दुख दर्द को करीब से महसूस कर रहा हूं और मदद की समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश भी दे रहा हूं। कई क्षेत्रों में स्थिति सच में काफी विकट है, लोग परेशान हैं, जल्द ही उनकी परेशानी दूर होगी। इस क्रम में मैं खुद दुर्घटना की चपेट में आ गया। धनरुआ के रमनी बिघा में एक जगह पानी की गहराई ज्यादा थी, कोई सही नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह कुछ व्यवस्था की, चचरी वाला नौका लाई गई। इस पर सवार हो गहरे पानी को पार कर ही रहा था कि नाव डूब गई। लोगों ने तत्परता से मुझे निकाला, हल्की चोट आई, अब जनता जनार्दन की दुआ से सुरक्षित हूँ। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।